अस्सलाम गाइस, ये हम लोग आए हुए जामा मस्जिद। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से रेड फोर्ट का वो एरिया दिख रहा है जहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है। मैं आपको दिखा रही हूँ नेशनल फ्लैग, थोड़ा सा आपको दिख रहा है। मैंने जूम किया हुआ, इससे ज़्यादा जूम करूँगी, थोड़ा और जूम करती हूँ। देखिए ये आपको फ्लैग कितना अच्छा हवा से हिलता हुआ नज़र आ रहा है। गाइस ये वो एरिया है इसका बैक साइड का, और बहुत सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं। गाइस ये देखिए, ये एंट्रेंस है, ये गेट नंबर 2 है गाइस, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम लोग जो है कि यहाँ पर आए। मैंने कल कहा था कि हम लोग कल कहीं जाने वाले हैं, तो बस देखिए ये है मीना बाज़ार, जहाँ बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। मैं जब जाऊँगी अभी नीचे, तब मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को मैंने क्या क्या लिया यहाँ से। बहुत छोटी मोटी चीज़ें ही लूँगी, पर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। हम लोग साइड चलते हैं थोड़ा सा, उधर भी थोड़ा ग्रीनरी है, पार्क वाला पार्क सा कुछ हो गया है, थोड़ा सा बना हुआ है पार्क जैसा, या चिल करने के लिए थोड़ा सा घास वास लगी हुई है, देखने में अच्छा लग रहा है। वहाँ पर सीढ़ी पर बैठ के बहुत सारे लोग फोटो क्लिक करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इसका बैक साइड का पूरा अंदर वाला एरिया गाइस, देख सकते हैं गाइस। बस यही है जामा मस्जिद, ये इसका छोटा सा व्लॉग है। आप चाहें तो इस व्लॉग को देख सकते हैं। स्पेशली मुझे इस पत्थर के बारे में बताना है। ये जो पत्थर है, ये कहा जाता है कि इसके हर एक पत्थर पर पहले पुरानी आयात से दम किया हुआ है, फिर जाके सारे पत्थर लगे। एक एक ब्लॉक पे, हर एक ब्लॉक जो अंदर से बाहर तक लगा हुआ है, वो दम किया हुआ पत्थर है। तो गाइस गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, बच्चों मेरे स्टूडेंट्स जो है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको, कि ये किस तरह के पत्थर थे, कहाँ से मंगवाया गया, क्या हुआ। शाहजहाँ ने इसको बहुत ही एक अच्छा काम किया जो ये बनवाया। ये बहुत ही हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट है गाइस। मैं इसके सहन का थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। गाइस आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं गाइस ये देखिए, ये वही है रेड फोर्ट का बैक साइड वाला हिस्सा है, आप देख सकते हैं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा है, अब मैं थोड़ा सा अंदर जा रही हूँ। ये गेट नंबर 2 से मैं एंट्री मेरी हो रही है गाइस, देखिए गेट नंबर 2 से एंट्री हो रही है मेरी। और देखिए हम लोग अंदर जा रहे हैं, कुछ छोटे छोटे शॉप्स हैं, कुछ चीज़ें लेनी है तो ले सकते हैं। ये आप ये देखिए, ये कशीदाकारी आप देख सकते हैं, कितनी मेहनत लगी होगी गाइस इसको बनाने में। गाइस आप देख सकते हैं, ये सब गोल्डन गोल्डन रहा होगा पहले, अब इसमें से वो सब कम हो गया गाइस। आप ये देखिए, ये कुछ लोटस के शेप का फूल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर डोनेशन बॉक्स है, अगर हम लोग चाहें तो कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ सस्ता जो है वो डोनेट करने। यहाँ पे देखिए गाइस, फ़ोन पे भी लगा हुआ है, पर मैं फ़ोन पे तो नहीं करूँ। कहते हैं डोनेशन हमेशा छुपा के करना चाहिए गाइस, तो मैं छुपा के डोनेट कर रही हूँ। मैंने दिखाया नहीं है मुझे क्या, लेकिन मैं डोनेट कर रही हूँ ये गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये पूरा मस्जिद का सहन है, और मैं आपको एक बार पूरा घुमा के दिखाऊंगी बस, और आप समझ जाएंगे। वैसे तो जो गए हैं वो गए हैं, और जो नहीं गए हैं खैर उनके लिए वीडियो उनके लिए। गाइस एकदम सन बिल्कुल सामने है, इसलिए हो सकता है कि वो थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा हो गाइस। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा, ऐसे मैंने पूरा एक बार आपको दिखा दिया गाइस। ये देखिए ऊपर का एरिया देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा तो भीड़ नहीं है आज, पर भीड़ होती है अक्सर, आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैं आपको बहुत ही स्पेशल जगह बता रही हूँ थोड़ी अच्छी सी, वो ये है यहाँ पे हौज है जहाँ पर वज़ू बनाते हैं। वज़ू क्या होता है, अगर जो हमारे नन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हमारा ब्लॉग देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, वज़ू एक प्रैक्टिस है जो मुसलमान नमाज अदा करने से पहले अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वॉश करते हैं, उसे हम वज़ू कहते हैं। तो देखिए गाइस ये एक हौज है, यहाँ पर सब वज़ू कर रहे हैं। ये पानी मतलब पानी का कुछ एरिया है जिसमें सब वज़ू कर रहे हैं। तो गाइस मैं दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा आप देख सकते हैं प्रोसेस वज़ू करने का, कि वज़ू करने का प्रोसेस होता है कैसे। तो गाइस
अभी असर का टाइम है तो यहाँ पर नमाज भी चल रही है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, जूम करके मैं दिखा रही हूँ कि नमाज चल रही है वहाँ पर, जहाँ नमाज हो रही है वहाँ पर आपको बहुत अच्छा सा एक वो दिख रहा होगा, फानूस जिसको कहते हैं गाइस, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मैं थोड़ा अंदर गई थी तो मैंने उसे देखा था, तो मैंने कहा जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसे उसमें ज़रूर लूँगी। और गाइस यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है, टिकटॉक पूरी तरह से बैंड है, यहाँ भी बैंड है। तो गाइस देखिए सब वज़ू बना रही है, वज़ू की प्रैक्टिस है, ये ऐसे वज़ू बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वज़ू बना रहे हैं। यहाँ पर अच्छा लग रहा है खड़े होने में। गाइस देखिए वज़ू ऐसे बनाते हैं, सब वज़ू बना रहे हैं। और ये है शारिक, बैठ के वेट कर हम लोग का, क्योंकि उसके मौसे भाई गए नमाज़ पढ़ने और तल्हा भी नमाज़ पढ़ने गया और इसने नमाज़ पहले ही पढ़ ली थी। तो गाइस यहाँ पर हमारे शूज़ रखे हुए हैं और शारिक वेट, आप जैसे अजान की नमाज़ की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, कैसे नमाज़ की आवाज़ आ रही है, सब पढ़ रहे हैं सजदे और रुकू में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्ब लगा हुआ, शायद ये रात में जलता होगा। देखिए गाइस इसकी नक्काशी मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, यहाँ से जूम करके थोड़ा सा देखिए इसकी नक्काशी कितनी अच्छी हुई है, मतलब इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड है गाइस, आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस ये था एक व्यू, अब मैं व्लॉग ख़त्म करूँगी यहीं पे और अब हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, ये जाम मस्जिद का जो मीना बाज़ार है मैं उसका सोच रही हूँ कि एक अलग व्लॉग बनाऊँ, ताकि उसमें आसानी हो समझने में और चीज़ों को देखने में, वरना ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़े व्लॉग ज़्यादा कोई नहीं देखता है गाइस। तो मैं एक बार और इसका पूरा व्यू दिखाऊंगी और मैं इस व्लॉग को बनती हूँ। ये है मीनार, जहाँ पे लिखा था ना वहाँ पे कि मीनार पे चढ़ने का टिकट लगता है, ये मीनार है, इन दोनों पे चढ़ने का टिकट लगता है, बाकी पूरा फ्री है, बाकी आप कहीं पे भी जाओ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है गाइस, तो ये मैंने पूरा व्यू दिखा दिया आप लोगों को और मैं इसको अब मैं इस व्लॉग को बंद करूँगी। ठीक है गाइस, अब मैं मीना बाज़ार का अलग से व्लॉग बनाऊँगी। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।